हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। ये मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। जो भी संभावित प्रश्न होते हैं वो हम इस क्लास में करते हैं और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट सीरीज है आप सभी के लिए, आप सभी को इस सीरीज को ध्यान से देखना है। तो मॉक टेस्ट करने वाले हैं हम हिंदी का। हिंदी में सबसे ज्यादा पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, शब्दों के अर्थ पूछे जा रहे हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, बाकी संज्ञा से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने इस मॉक टेस्ट में लिए हैं। तो आप सभी को इस मॉक टेस्ट को ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट हिंदी, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द और संधि विच्छेद हम इस क्लास में देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है चोर चोर डैश भाई, चोर चोर डैश भाई, ये रिक्त स्थान आपको फिल करना है। तो इसमें क्या आएगा आप बताएं। चोर चोर डैश भाई, ऑप्शन ए है सगे भाई, ऑप्शन बी है चचेरे, ऑप्शन सी है मौसेरे, ऑप्शन डी है ममेरे। तो चोर चोर यानी कि एक जैसे विचार, चोर चोर का मतलब एक जैसे विचार। अब एक जैसे विचार किसके होंगे, क्या सगे जो भाई होंगे उनके होंगे, क्या चचेरे भाई होंगे उनके होंगे। सगे भाई तो आपस में ही हमेशा ही लड़ाई होती रहती है, हमेशा ही लड़ते रहते हैं, तो कभी एक जैसे विचार नहीं हो सकते। वैसे ही चचेरे भाई के भी नहीं हो सकते, चचेरा भाई अपना लाभ देखेगा, दूसरा भाई अपना लाभ देखेगा, तो इनके भी एक जैसे विचार नहीं हो सकते। मौसेरे भाई, मौसी का मतलब दो सगी बहनों के बेटे, ठीक है, इनके विचार एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर के अगर जैसे दोनों के क्या है, दोनों की एक ही मम्मी के दो बहनें हैं और उनके दो बेटे हैं अलग अलग, तो ये क्या है, इन दोनों के जो विचार हैं वो मैच कर सकते हैं, मैच करते हैं, और यही इसका आंसर होगा, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। तो जो मौसी के बेटे होते हैं, हमारी मौसी के और उनके लिए हम मौसी के हो गए, तो उनके क्या होते हैं विचार, एक जैसे होते हैं। तो यहां पर आएगा चोर चोर मौसेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोर चोर मौसेरे भाई, इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में डैश, ऊंट के मुंह में डैश, अब इसको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा, ऊंट के मुंह में क्या, ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी जीरा। तो ऊंट के मुंह में, ऊंट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ऊंट, क्या पपीता उसके मुंह में, क्या उसके मुंह में केला, क्या उसके मुंह में भिंडी। अब देखो जब भी हम लोकोक्तियां करते हैं ना, पहला ही हम लोकोक्तियां ही कर रहे हैं, जब भी हम लोकोक्ति करते हैं तो छोटी की तुलना बड़े से की जाती है। जैसे हमने यहां पर किया चोर, ठीक है, एक बड़ा शब्द लगता है, पता नहीं कितना बड़ा ये शब्द है, चोर चोर मौसेरे भाई। वैसे ही यहां पर देखा ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बहुत बड़ा और जीरा छोटा सा, तो पपीता नहीं होगा, केला नहीं होगा इसका आंसर, भिंडी नहीं होगा, क्या होगा, जीरा, यानी कि ऊंट इतना बड़ा और हम छोटा सा उसे जीरा दे रहे हैं, थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका आंसर यहां पर आप फिल करेंगे जीरा, क्या करेंगे जीरा, और यहां पर क्या करेंगे मौसेरे, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या अर्थ है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या अर्थ है। रवि का मतलब सूरज, कवि का मतलब जो कवि लेख लिखता है, ठीक है, जो लेखक होता है उसे हम कवि कहते हैं और रवि को हम सूर्य कहते हैं। तो क्या ये समझ, सपोज दैट ये कमरा है, तो क्या यहाँ पर रवि आ पा रहा है, क्या यहाँ पर सूरज आ पा रहा है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन मैं वही कहूं कि यहाँ पर कवि आ रहा है, कवि का मतलब इस कमरे के बारे में कवि को पता है, कवि यहाँ पर आ सकता है, तो ये क्या हो गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कवि भाव प्रवण होता है, ऑप्शन बी कवि निरंकुश होता है, ऑप्शन सी कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, मतलब कहीं भी पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब सभी जगह पहुंचना पॉसिबल है। और आपने देखा होगा कभी किसी किसी भी चीज के बारे में लिख सकता है,
ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चीज के बारे में नहीं लिख सकता, बल्कि वो सभी चीजों के बारे में लिख सकता है। तो यहाँ पर यही होगा हमारा ऑप्शन डी है, कभी कल्पनाशील होता है, कभी कल्पना के आधार पर कुछ नहीं लिखता, कभी वही लिखता है जो रियलिटी होती है, जो कभी हुआ हो या फिर कभी संभावित हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी के लिए कहीं भी अगम्य नहीं बल्कि सभी सुगम्य है, उसके लिए सभी जगह पहुंच सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, सौ सयाने एक मत का अर्थ है, सौ सयाने एक मत, यानी कि सौ सयाने का मतलब हो गया एक ही जैसे विचार वाले सौ लोग हैं। ओके, तो उनका एक मत, तो इसका मतलब क्या हो गया, सौ सयाने यानी कि सौ लोग जिनका मत एक ही है, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, ज्यादा चालाक बनना। ऑप्शन बी, कुछ भी निश्चय न कर पाना। ऑप्शन सी, अच्छे विचारों में भिन्नता होना। ऑप्शन डी, बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो आपको कुछ लग रहा है यहाँ पर, सौ सयाने यानी कि सौ सयाने ही सयाने, उसमें कोई चोर नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं, किसी ने इसने कुछ नहीं कहा, बस कहा एक ही शब्द से सौ को नोटिस किया है कि सौ सयाने, तो यानी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। सौ सयाने एक मत का अर्थ है, बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। वहीं पर यहाँ पर चोर होता, यहाँ पर सपोज दैट चोर होता, तो चोरों की एक जैसी मानसिकता होती है, एक जैसी आदत होती है, तो हम वहां पर लगा सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पर बुद्धिमान दिया है, हमारा बस यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है कि जो एक से लोग हैं उनके उनका क्या अर्थ है, तो एक जैसे लोग यहाँ बुद्धिमान दे दिया, तो इसका अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, चोर यानी कि कोई चोर है और उसकी दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन ए, चोर आडंबर दिखाता है। ऑप्शन बी, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। ऑप्शन सी, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। ऑप्शन डी, कोई नहीं। ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि चोर आडंबर दिखाता है, चोर आडंबर क्यों दिखाएगा, वो तो चोरी से छुपके से चोरी करता है। ऑप्शन बी, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, इसमें क्या बात हुई, इसका क्या अर्थ है, ये तो कोई अर्थ नहीं दे रहा कि चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, कोई अपराधी होता है तो हम हमेशा ही उसे शंका की नजर से देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। नेक्स्ट है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलपत्ता का क्या अर्थ है। तन पर नहीं लगता, तन पर लगता नहीं और पान खाए अलबत्ता, तन पर लगते नहीं है लेकिन पान खाए जा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत गरीब होना। अब बहुत गरीब होना आप कहेंगे लगता नहीं है तो गरीब ही होगा, ये आंसर नहीं है। झूठा दिखावा करना, दो लाभ होना, एक साथ दो लाभ होना। नेक्स्ट है, बुरी आदत का शिकार होना। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार होना, तो इसका आंसर है झूठा दिखावा करना, यानी पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन पान खा रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन पान खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पर्यायवाची, पर्यायवाची सेकंड आप देख ही रहे होंगे, पर्यायवाची हैं, पहले लोकोक्ति सेकंड पर्यायवाची। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, दांत का, तो आप बताएंगे कि दांत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है दाढ़िम, दूसरा है दंत, तीसरा है दशन, डी है रदन। दांत से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को रदन करते हैं, उसे अच्छे से चबा चबा करके हम उसका छोटा छोटा पीस कर देते हैं, तो रदन हो जाएगा। दशन का मतलब उसके 10 टुकड़े कर देना, तो दशन हो जाएगा यहाँ पर। दंत,
दांत का दंत हो जाएगा लेकिन दाढ़िम नहीं होगा, दांत का दाढ़िम नहीं होगा, तो इसका आंसर ए ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन को हटा करके कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ये होगा, तो बाई ऑप्शन आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना जब एग्जाम में। नेक्स्ट है, तीर का पर्यायवाची नहीं है। तीर आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, तो तीर का पर्यायवाची नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। तीन होंगे और एक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको गौर कर रही है कि कौन सा नहीं है पूछ रहा है या कौन सा है पूछ रहा है। कभी कभी हम है के चक्कर में गलत कर देते हैं जबकि हमसे नहीं है पूछा होता है, तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो तीर का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची ऐसे लिखा जाता है, पर्यायवाची मत लिख देना, पर्यायवाची हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, उसमें एक पर्यायवाची ही दे रखा हो और वही शुद्ध हो और आप कहें ये तो पर्यायवाची होता है लेकिन इसने पर्यायवाची दे रखा है। ठीक है, लोकोक्तियां भी दे सकता है आपको शुद्ध अशुद्ध में, यहाँ पर विलोम छंद विच्छेद भी दे सकता है, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो तीर का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन ए तार, ऑप्शन ए क्या है तार, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी शर, ऑप्शन डी नारच। तो तीर से हम क्या करते हैं, तीर से यहाँ पर शर भी हो जाता है, बाण भी हो जाता है और नाराज भी हो जाता है, इसका तार नहीं होता है, तार वो तीर है कोई तार नहीं है, तो तार से आप बिल्कुल भी ना जोड़ें, यहाँ पर शर हो जाएगा, बाण हो जाएगा और नारच हो जाएगा। नेक्स्ट है मरकट, मरकट का आपसे पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा था तो तार नहीं है, बाकी सभी हैं, यहाँ पर मरकट का पर्यायवाची पूछा है। मरकट का पर्यायवाची यानी कि समानार्थक, मरकट को दूसरा शब्द हम किस नाम से पुकारते हैं, पर्यायवाची का मतलब ये होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है इसके अपोजिट, यानी कि अगर पुत्र को पुत्री, ठीक है, माता का पिता, तो ये विलोम शब्द होते हैं लेकिन पर्यायवाची होता है समानार्थक। तो मरकट को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं ये आप माइंड में सोचना। पहला है पानी, दूसरा है पुत्र, तीसरा है बंदर और चौथा है मित्र। पानी मरकट, पानी नहीं, पुत्र नहीं, मरकट को पुत्र नहीं कहते, शुद्ध कहते हैं पुत्र को, यहाँ पर बेटा कहते हैं पुत्र को, यहाँ पर मित्र नहीं, मित्र भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बंदर। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे ना तो अपने आप ये आप एग्जामाइन कर लोगे कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो मरकट का पर्यायवाची क्या होता है, बंदर होता है, क्या होता है, बंदर होता है। नेक्स्ट है अनंत का पर्यायवाची है, अनंत का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी बंधन। तो अनंत का पूछा है, अनंत, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत का हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अनंत का क्या हो जाएगा हमारे पास, निष्मीय, क्या हो जाएगा, निष्मीय, अनंत का पर्यायवाची निष्मीय हो जाएगा। नेक्स्ट है तृण का तद्भव है, तद्भव पूछा है, तत्क्षम तद्भव, तो तृण का, तृण क्या होता है, तिनका, तिनके क्या है इसमें देखते हैं, ए ताम्र नहीं है, बी तावा नहीं है, सी तिनका, हाँ हमें मिल गया सी तिनका, डी लोटा है तो वो गलत है, सी है हमारे पास तृण का तद्भव होता है, यानी तिनके को हम संस्कृत में तृण बोलते हैं और हिंदी में तृण को तिनका बोलते हैं। नेक्स्ट है यत्न का तद्भव है, यत्न, यत्न प्रयत्न, तो तद्भव पूछा है, हिंदी शब्द पूछा है यत्न का, तो पहला याग, बी याद, सी यत्न और डी यादी। तो मैंने बताया यत्न का यतन हो जाता है, यतन, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है आद्र का विलोम है, आद्र, आद्र मतलब गीला, अब गीले का विलोम क्या होगा, यानी कि गीले का उल्टा क्या होगा, सूखा, देखते हैं क्या है, ए गीला गलत, बी भीगा गलत, सी शुष्क और डी नोट ऑल, डी क्या है, ऑल की सभी है इसके विलोम। तो यहाँ पर बताना है आद्र मतलब गीला और शुष्क मतलब सूखा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है, शुष्क सूखा। नेक्स्ट है कुसुम का विलोम है, कुसुम का विलोम पूछा है आपसे, ए चर, बी वज्र, सी अक्षय और डी ऑल, तो कुसुम का विलोम क्या है आप बताएंगे, कुसुम का विलोम पूछ रहा है, ऑप्शन ए चर, बी वज्र, सी अक्षय और डी ऑल,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है कुसुम का, कुसुम का हो जाता है वज्र। क्या होता है? कुसुम मतलब कोमल, वज्र मतलब कठोर, तो कोमल कुसुम, वज्र कठोर। नेक्स्ट है अर्ध विराम चिन्ह है, इसमें कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? क्या ये वाला अर्ध विराम है, क्या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला? तो अर्ध विराम हम कैसे लगाते हैं? एक बिंदी और फिर नीचे कॉमा, ये हमारा अर्ध विराम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा, अर्ध विराम का चिन्ह ये हो गया। नेक्स्ट है किसकी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द है, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसके लिए एक शब्द कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी सुगत। तो जिसकी गर्दन यानी कि ग्रीवा, गर्दन को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा जिसकी सुंदर हो यानी कि सुग्रीव, क्या है? सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा जिसकी होती है उसे हम सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट है संयोग का संधि विच्छेद है, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है, संयोग। तो संयोग का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? संयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस योग। अलग से ही पता चल रहा है संयोग का संधि विच्छेद सम प्लस योग, या फिर बी स प्लस योग, सी स प्लस योग, तो ये हो जाएगा सम प्लस योग इस तरह से। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा था। इसमें आपके कितने आंसर क्वेश्चन ठीक गए ये मुझे आप कमेंट सेशन में बताना, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जो भी कल का एनालिसिस है सभी सिक्तों का, वो हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।